कैसे बनी करण अर्जुन अपने दौर की सुपरहिट मूवी? करण अर्जुन का रीमेक बनेगा या नहीं? अगर फिल्म का रीमेक बनता है तो क्या दिखेंगे नए एक्टर्स? हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 90s की सुपरहिट फिल्म करण अर्जुन के बारे में। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि क्यों इस फिल्म को मिला है कल्ट क्लासिक का स्टेटस और क्या करण अर्जुन का रीमेक बनेगा या नहीं और क्या हमें नए एक्टर्स देखने को मिलेंगे या नहीं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। करण अर्जुन जब रिलीज हुई थी तभी से ही इस फिल्म ने कल्ट क्लासिक फिल्म का स्टेटस हासिल कर लिया था। आप सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि कल्ट क्लासिक फिल्म का मतलब क्या होता है। जनरली जिस फिल्म की एक पैशनेट एंड डेडिकेटेड फैन फॉलोइंग होती है उस फिल्म को सालों साल तक याद रखा जाता है और उसे ही कल्ट क्लासिक फिल्म कहा जाता है। ये ऐसी फिल्में होती हैं जिनकी जोड़ी, डायलॉग्स, गाने ऐसे होते हैं जिन्हें सालों तक याद रखा जाता है और ऐसी फिल्म को बार बार देखा भी जाता है। करण अर्जुन में एक माँ का अपने बेटों के लिए प्यार, दो भाइयों का आपसी प्यार और एक माँ के अपने बेटों की वापसी पर विश्वास कहा जा सकता है, जो उसके साथ हुए अन्याय का बदला लेने जरूर आएंगे। इन सभी एलिमेंट्स ने मिलकर फिल्म को सुपरहिट बनाया और साथ ही फिल्म को कल्ट फिल्म का स्टेटस भी दिलाया। इस फिल्म के डायलॉग्स और गाने भी एवरग्रीन रहे और आज भी एक ना एक बार तो ये फिल्म टीवी पर किसी न किसी चैनल पर तो टेलीकास्ट हो ही जाती है और इसे आज भी देखा जाता है। इस फिल्म से बॉलीवुड को सलमान और शाहरुख का दमदार डुओ भी मिला, जिनकी दोस्ती के चर्चे आज भी फिल्म इंडस्ट्री में सुनाई देते हैं और इन दोनों के ही सैकड़ों फैंस इनको फिर से एक साथ करण अर्जुन के अवतार में देखना चाहते हैं। कई ऐसी कल्ट फिल्में होती हैं जिनका रीमेक बनाया जाता है, लेकिन इस फिल्म के डायरेक्टर राकेश रोशन ने एक बार कहा था कि वो इस फिल्म के रीमेक के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हालांकि अगर कोई और इस फिल्म का रीमेक बनाना चाहता है तो उन्हें इस बात से कोई एतराज भी नहीं है, लेकिन इस फिल्म के बारे में अभी तक तो कहीं से भी कोई न्यूज या अनाउंसमेंट नहीं की गई है और दोनों ही खान्स अभी अपनी अपकमिंग फिल्म्स की शूटिंग में बिजी हैं, जिस पर से ऐसा कहा जा सकता है कि फैंस के इन दोनों को एक साथ देखने की विश ही रह जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि कोई फिल्म डायरेक्टर इस फिल्म को एक नए अंदाज में बनाना चाहे और हमें नए करण अर्जुन देखने को मिले। राकेश रोशन ने खुद ये कहा था कि अगर करण अर्जुन 2 बनती है तो इसमें नए हीरोज होंगे और उनके हिसाब से रणबीर कपूर और रणवीर सिंह की जोड़ी को करण अर्जुन के रोल्स में दिखाया जाएगा। दोस्तों, ये दोनों ही बेहतरीन एक्टर्स हैं और दोनों की जोड़ी को एक साथ देखना काफी अच्छा होगा, लेकिन करण अर्जुन के डाई हार्ट फैंस के लिए तो असली करण अर्जुन हमेशा सलमान और शाहरुख ही रहेंगे और अगर वो ये फिल्म फिर से रिक्रिएट करते हैं तो उनके फैंस के लिए इससे बड़ा गिफ्ट और कोई नहीं होगा। क्या आप भी चाहते हैं कि करण अर्जुन का रीमेक बने? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। हमारी आज की राइटर है मनीषा विधानी।